हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जी आज है सैटरडे और डुग्गू चला गया है स्कूल, कार्तिक पढ़ रहा है। सुबह का मॉर्निंग का जो मेरा रोजाना का काम होता है वो निपट चुका है और इसके बाद लग रही हूँ मैं क्लीनिंग में। तो क्योंकि राखी आ रही है तो सोचा क्यों ना ड्राइंग रूम का अच्छे से मेकओवर कर दिया जाए, अच्छे से ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग कर दिया जाए, क्योंकि सफाई तो रोजाना ही होती है जो, क्योंकि कवर वगैरह बदल के जो करते हैं ना तो उसके बाद कुछ अलग ही लुक आती है हमारे ड्राइंग रूम में, या किसी भी चीज़ की बेडशीट जैसे बदलने के बाद थोड़ा न्यू लगता है रूम। तो अब यहाँ पे करूँगी मैं अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग और झाड़ू वगैरह लगा दूँगी, क्योंकि वही है मैं रोज़ नीचे से करती हूँ तो थोड़ा बहुत डस्ट, जैसे कि हल्के हल्के, वैसे ज़्यादा गंदा तो नहीं था बट ये है कि मैं अपनी तरफ से फिर भी कर देती हूँ एक डेढ़ महीने में ऐसे क्लीनिंग। तो अब हो रही थी बारिश बाहर तो वही हो गया था, दो बार मैंने कपड़े उतार लिए बाहर डले हुए थे ग्रिल पे, और इतनी तेज़ बौछार थी कि मैंने जो रस्सी बांध रखी थी ना अंदर की तरफ, वहाँ के भी जितने कपड़े डल रहे थे उस पर सारे भीग गए थे। तो कपड़ों की बड़ी प्रॉब्लम हो गई है इस बरसात में ना, इससे तो लगता है बरसात होती है तो प्रॉब्लम, ना होती है तो प्रॉब्लम। तो इंसान की ऐसी प्रवृत्ति है कि किसी भी चीज़ में वो खुश नहीं रह सकता, कि अगर बारिश नहीं होती तो प्रॉब्लम होती है, हाय कब बारिश होगी, बारिश हो जाए तो प्रॉब्लम होती है, हाय कपड़े नहीं सूखेंगे, और ठंड पड़ती है तो प्रॉब्लम होती है। तो पता नहीं ये इंसान का नेचर है कि इंसान किसी भी चीज़ में संतुष्ट नहीं रह सकता। तो बस यहाँ पे अब मैं करूँगी, यहाँ सोफ़े वगैरह के कवर मैंने डाल दिए थे मशीन में, और बारिश देखो जैसे हो रही है तो कपड़े सूखने में, और कितने कपड़े हो रहे हैं आज मैं बता नहीं सकती। तो सारे ड्राइंग रूम के सब उतार दिए थे सोफ़े वगैरह के, तो वो मैंने धो भी दिए हैं, ड्रायर कर करके डाल भी दिए हैं, और देखो कितने गीले हुए हैं, कितने सूखे हुए हैं, कुछ नहीं पता। तो डस्टिंग वगैरह कर दी थी और अब यहाँ पे लगूंगी मैं पिलो कवर वगैरह, सारे ही उतार लिए मैंने, क्योंकि पिछली बार जब सफाई करी थी ना तो मैंने इनके कुशन कवर नहीं उतारे थे क्योंकि मेरे को वो साफ़ लग रहे थे। तो क्या होता है ना, जब सफाई रोज़ होती है बट जब अच्छे से सफाई होती है ना तो रूम बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अब ये लेकर आ गए थे, देखो माओ को, इनको इनके साथ ही चिपटी रहती है ये पूरा दिन, तो ये इसको नकली उससे डरा रहे हैं, इसे ये नकली शेर से कि देखो, और वो कूद कूद कर भाग रही थी। तो अब ये सब चले गए हैं अपने अपने काम पर और अब मैं लग गई हूँ यहाँ पे झाड़ू पोछा करने पे, क्योंकि सारे कवर वगैरह मैंने बिछा दिए थे और अब जल्दी से लगा लूँगी यहाँ पे पोछा, क्योंकि अभी यहाँ का क्लीनिंग का काम ख़त्म करने के बाद घुसा है मैंने किचन में, क्योंकि किचन में सिर्फ मैंने अभी खाना ही रेडी करा है, रोटी वोटी कुछ नहीं बनाई है। तो आज थोड़ी सी तबीयत मेरी अच्छी नहीं थी तो मेरे को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, बट फिर भी काम तो करना ही था, तो बस जितना हो रहा था उतना कर रही थी। तो अब जल्दी जल्दी से यहाँ पे कर लूँगी पूरी सफाई, और क्योंकि क्या होता है ना जब सफाई करने लगो तो कितना सामान फैलता है, एक एक चीज़ को उठाना और अच्छे से क्लीन करना तो बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। और ये सारे टेडी बियर वगैरह मैंने सब धो दिए थे, मशीन लगी हुई थी तो मेरा ये काम भी निपट गया था, और अब बस जल्दी जल्दी से पोछा लगाती हुई आ जाऊँगी। और अभी पूरे घर की सफाई रहती है क्योंकि घर बड़ा है तो टाइम ज़्यादा लग जाता है सफाई करने में, और जब अच्छे से करो तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स मैं नहा ली हूँ और अब मेरे को लग रही है भूख बहुत तेज की, क्योंकि सुबह से काम करते करते ना क्या टाइम हो गया, देखो मैं घड़ी दिखाती हूँ आपको, दिख रहा है ये बज रहे हैं 1:45। तो मैंने सुबह की चाय पी रखी थी और अब मैं खाऊंगी मैगी, कार्तिक ने बनाई थी मैगी, ये देखिए बहुत तेज भूख लग रही है, सच्ची में बता नहीं सकती। काम करते करते आज बहुत काम करा था, काम ना बहुत ज़्यादा हो गया था। तो कार्तिक जा रहा है पार्टी में और उसकी कर दी मैंने शर्ट प्रेस, तो रोटी वगैरह मैंने बना दिया, अब बस खाऊंगी और सोऊंगी। और अभी डुग्गू आएगा तो उसके बाद डुग्गू को भी करवाना है नाश्ता वगैरह। तो फ्रेंड बहुत हालत ख़राब हो गई है काम करते करते, तो आ जाओ जिस जिसने खानी है मैगी आओ मेरे साथ ट्राई करो। तो चलो खाती हूँ मैं जल्दी से गर्मा गर्म अपनी मैगी, ठंडी हो रही है, मिलते हैं फिर बाद में। हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं
रात हो रही है तो अब उठी थी शाम के टाइम, मैं उठी थी 5 बजे करीब, तो मेरी हो रही थी थोड़ी सी तबीयत ख़राब, तो मैं शाम को कुछ भी ब्लॉग एडिट नहीं कर पाई। और अभी बस दवाई लेकर आई हूँ मैं डॉक्टर से, तो मेरे को हो रहा था फीवर 100 के करीब था, बट फिर भी खाना वाना सबको खिला दिया था, तो बस जल्दी से दवाई ले गई। मेरे सिर में इतनी तेज़ हेडेक हो रहा था ना कि मेरे को खुद नहीं पता चल रहा था, कि बस दिल कर रहा था लेट ही रहूँ, तो मैं फिर वीडियो शूट कर ही नहीं पाई उसके बाद दोपहर के बाद। और अब मैं पी रही हूँ सूप बनाया मैंने, सूप, तो खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मेरे को लगा चल सूप बना कर पी लेती हूँ। और डुगू गया है बाल कटवाने, क्योंकि उसके बाल रंग दिखाए थे ना कितने बढ़ रहे थे, तो वो गया बाल कटवाने। और कार्तिक नीचे शॉप पे, तो बस अब बस सोएंगे। खाना वगैरह मैंने कर लिया, बना लिया है, तो सोने की तैयारी करेंगे। सवन हो रहे हैं, दूर दूर सब कुछ दे दिया, काम पूरा निपट चुका है, तो बस अब ये टाइम है खाली बैठने का। तो बस यही सोची थी चलो कुछ बातें कर लेती हूँ। और कल के लिए भिगोए मैंने राजमा, तबीयत ख़राब हो सही हो काम तो करना पड़ेगा, खाना वाना तो बनाना ही पड़ेगा यार, तो लेटे रहने से गुजारा नहीं होएगा, तो कल बनाऊँगी राजमा चावल। और चलो देखती हूँ अभी डुगू आता है तो देखती हूँ क्या करता है वो, फिर अभी वो नहाएगा आएगा तो आ जाओ सूप पी लो फ्रेंड्स। तो जी अब हो रही है नेक्स्ट मॉर्निंग, ये है संडे की मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और दिन बहुत अच्छा हो रहा था आज, कल तबीयत ख़राब थी तो मैं आज पार्क भी नहीं गई और लेट उठी थी, वैसे भी मैं संडे को करती हूँ छुट्टी, तो बस 7 बजे के करीब उठी थी, मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बट उठना तो था ही क्योंकि काम वाम सारा ही फैला होता है, जैसे कि रोज़ाना की तरह ही कपड़े बहुत सारे ढेर हो रहे थे, कल के भी ड्रेसेस वगैरह सारे कपड़े हो रहे थे, तो बस अब यहाँ पे उठते ही सबसे पहले लगाई है मशीन और नहा ली, पूजा वगैरह कर ली, तो अब बना रही हूँ मैं अपने लिए एक कप बढ़िया सी चाय। तो एक चाय तो मैं सुबह के टाइम लेती हूँ, क्योंकि जब तक चाय ना लो तो एनर्जी नहीं आती, बिल्कुल लो सा फील होता है। और बारिश हो रही थी तो उसमें तो और भी ज़्यादा, मौसम में तो अच्छी लगती है चाय। और यहाँ मैंने अपनी चाय और एक ब्रेड ले लिया, तो बस नाश्ता कुछ आज मैंने बनाया नहीं था क्योंकि आज मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ नाश्ता वगैरह बनाने का। तो पूरा हफ्ता वही होता है कि अगर काम करते रहो तो एक दिन का लगता है कि यार आज छोड़ो नाश्ता वगैरह, आज सीधा डायरेक्ट खाना ही बनाएंगे। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं राजमा, जो कि मैंने राजमा उठते ही बॉयल कर लिए थे, क्योंकि वही है मेरा जब लेट उठो तो फिर काम भी लेट हो जाता है। तो बस राजमा दो तरीके से बनाने हैं, ये लहसुन प्याज वाले बनाऊंगी, एक टमाटर प्यूरी वाले बनाऊंगी। तो यहाँ बच्चों को भी मैंने चाय वगैरह देनी है, क्योंकि एक जना नहा लिया है, कार्तिक नहाया है, डुगू सो रहा है, जैसे कि डुगू छुट्टी वाले दिन बिल्कुल रेस्ट पे रहता है तो जल्दी वो तो नहाएगा भी नहीं। तो आज सबको ब्रेड वगैरह कुछ ऐसा ही दिया है। और यहाँ मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च डाल के पेस्ट रेडी कर लिया है, अच्छा सा पेस्ट बना लिया है, तो इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी। और राजमा उधर मेरे बॉयल हो गए थे क्योंकि रात को भिगो के रख रखे थे, और इसमें सारे करूँगी भी मसाले ऐड, बस मसाले ऐड करने से पहले डालने हैं इसमें टमाटर प्यूरी, तो टमाटर प्यूरी 4 से 5 टमाटर ले लूँगी। और अच्छे तरीके से भूनना है मसाले को हमें, क्या है ना कि जब तक किसी भी चीज़ का अगर हम लहसुन प्याज का मसाला अच्छे से नहीं भूनेंगे ना, तो फिर वो सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आता हमारे। तो यहाँ पे जब तक ये लहसुन प्याज का बैटर अच्छे तरीके से हमारा भुनेगा नहीं ना, तो जब तक मज़ा नहीं आएगा। तो मौसम हो रहा था अच्छा और ये बोल रहे थे पकौड़े वगैरह बना ले, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ एक्स्ट्रा काम करने की, तो फिर इन्होंने मना कर दिया, रहने दिया अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तेरे से जितना हो सकता है तो उतना कर ले। तो फिर आज पकोड़े कैंसिल हो गए थे, क्योंकि यार बना तो लेती, बनाने का नहीं है, फिर मैं ना अपने चक्कर में भी कि अगर बनाती हूँ ना फिर कंट्रोल नहीं होता, तो मैंने कहा छोड़ मैं बनाऊँगी नहीं, बहाना भी अच्छा है। और यहाँ पे देखिए जब तक मसाला मेरा पक रहा था ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये ड्रॉर्स वगैरह को भी साफ़ कर लूँ, और बर्तन हो रहे हैं बहुत सारे सिंक में ढेर। और अब मैंने रख लिया दूसरी फ्राई में बनाऊंगी इनके लिए। देखिए मसाला अच्छे से भून रहा है ना, हाँ, तो बस ऐसे ही भूनना है अच्छे तरीके से। और अभी इसमें टमाटर प्यूरी ऐड कर देनी है, तो वहाँ पे मैंने दूसरा
दूसरा फ्राई रख लिया है और इसमें डाल दिया मस्टर्ड ऑयल, जीरा, हींग और 3 टमाटर चॉप कर लिए हैं, छोटे छोटे से थे, तो यहाँ इसमें मसाले ऐड कर दूंगी और जब तक ये पकेगा तो उधर दूसरी फ्राई रख के वो वाला भी रेडी कर दिया। तो काम ना चाह कर भी ना मेरा ऐसे बढ़ता है कि अगर एक जने को लहसुन प्याज वाला बना दिया तो 2 वैरायटी बनानी है मेरे को। तो देखिए यहाँ पे ये रेडी हो रहा है जब तक, और भी बहुत सारे काम है। तो संडे हो, मंडे हो, छुट्टी हो, कुछ हो चाहे ना हो, तो लेडीज़ के लिए तो काम तो एवरी डे है, कोई हॉलीडे नहीं, कोई कुछ नहीं। और यहाँ जल्दी जल्दी से अब देखिए दोनों मसाले पकते रहेंगे जब तक मैं, और थोड़े बहुत जो छुटपुट मेरे काम है, सीढ़ियाँ वगैरह साफ़ करके आनी और बहुत सारे काम है घर के तो होते ही हैं जैसे भी। तो मैंने आज सोचा था कि मैं पहले किचन भी साथ के साथ करती रहूँगी और काम भी निपटाऊँगी। तो आप यकीन नहीं कर सकते इतना करते करते भी ना मेरे को 1 बज गया था पूरा। तो इसीलिए मैं ब्लॉग एडिट करने में लेट हो जाती हूँ, क्योंकि जब तक काम नहीं निपटता ना पूरा तब तक मैं ब्लॉग एडिट नहीं कर सकती। और यहाँ पे देखिए मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है और इसमें मैंने डाल दिए 1-1 बड़ी चम्मच फ्रेश मलाई। तो मलाई से भी एक अच्छा टेस्ट आता है राजमा में हमारे। तो बस अब यहाँ पे ये इनके वाले राजमा बनेंगे और दूसरे वाले राजमा बनेंगे, फिर इसके बाद कर लगूँगी बर्तन साफ़ करने में। तो बर्तन हो रहे हैं ढेर, वही है क्योंकि अभी नाश्ते वगैरह के, क्योंकि एक भी बार के मैंने बर्तन नहीं साफ़ करे हैं। तो बस यहाँ पे इनको बनाने के बाद कुकर में लगा लूँगी सीटी, क्योंकि कढ़ाई में आएंगे नहीं। और कुकर में जब सीटी लग के मसाले के राजमा बनते हैं ना तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। आप चाहे खोल के भगोने में जितना मर्जी बना लीजिए, बट जब तक अगर कुकर में ना हम सीटी लगाएं ना तो उससे क्या होता है मसाला अच्छे से पक जाता है जब सीटी लगती है ना। तो यहाँ पे बस ये मसाला मैं इसमें कुकर में ऐड कर दूँगी और लगा लूँगी इसमें 2-3 सीटी। तो मेरे राजमा बन के एकदम यमी यमी अच्छे से राजमा रेडी हो जाएंगे। तो अब आप चाहे इसके साथ मैं रोटी भी बनाऊँ, तो आटा भी रखा हुआ है, अगर मेरा मन करा तो मैं रोटी बना लूँगी। वैसे तो अदरवाइज चावल बनाए हैं, क्योंकि कल हो जाएगी एकाशी तो चावल नहीं बन पाएंगे और मेरा बड़ा मन कर रहा था राजमा चावल या दाल चावल कुछ ऐसा खाने का। तो अब लग गई हूँ मैं यहाँ पे किचन को क्लीन कर दूँगी। तो काम निपटाने में लगती हूँ तो बस किचन में ऐसा लगता है कि बस एक बार किचन में घुसो तो काम पूरा ही अच्छे ढंग से ख़त्म करके निकलूँ। तो अब लगूंगी यहाँ देखिए बर्तन कितने सारे हो रहे हैं, क्योंकि सुबह से नाश्ते वगैरह के जितने भी हो रहे थे ना बर्तन साफ़ नहीं करे थे। और देखिए अब जल्दी जल्दी से फटाफट से यहाँ बर्तन साफ़ कर लूँगी और लॉबी वगैरह भी क्लीन करनी है, क्योंकि एक बार मैंने सफाई कर दी थी, कपड़े डाले फिर गीले हो गए हैं। तो अभी उन कपड़ों को उतार के मैंने चेयर पर रख दिया है, मैंने कहा जब रुकेगी बारिश फिर डालूँगी उसके बाद। बारिश के फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं, होती है तो परेशान हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब जल्दी जल्दी से फटाफट से कर लूँगी किचन का काम पूरा कंप्लीट और फिर लगूँगी क्लीनिंग के काम में। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का रूटीन था बनाने बनाने का या सफाई का। तो बर्तनों को साफ़ करने के बाद सूखेंगे ये, इनका पानी निचड़ेगा, तब फिर बर्तन लगाने भी हैं। तो किचन का काम बहुत सारा हो जाता है ना चाहते हुए भी। अभी देखिए चावल भी मैंने चढ़ाने हैं, तो अब बस सारी ड्रॉर्स वगैरह को साफ़ कर लूँगी अच्छे तरीके से, क्योंकि राइस बनाने हैं और सफाई पूरी करनी है। तो वही ना मैं कार्तिक से कह रही थी कि तू लग जा सफाई करवा दे, बट वो नहीं आया, वो पढ़ने का बहाना कर रहा है, क्या कर रहा है भगवान ही जाने, कमरे में फ़ोन चला रहा है क्या कर रहा है। और उसको शायद ट्यूशन भी जाना था इस वजह से। और देखिए यहाँ हो गया पूरा काउंटर टॉप क्लीन मेरा, और गैस को बस अब अच्छे फाइनल से ढंग से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि गैस का ऐसा है ना जब इतना खाना बनता है ना हमारे, तो आप जितना मर्जी कपड़े से साफ़ कर लो, जब तक आप साबुन से साफ़ नहीं करते तब तक गैस हमारी अच्छे से साफ़ नहीं दिखती। तो वही चक्कर है, यहाँ जब पूरा खाना बन गया रेडी हो गया है तो अब मैं गैस को करूँगी एक बार फाइनली साबुन से क्लीन। तो साबुन से क्लीन करने के बाद ना एक गैस की एक जो चमक आती है वो बहुत ही प्यारी लगती है ना। चाहे आप भी एक बार ट्राई करके देखना, जो साबुन से साफ होती है ना, वैसे कपड़े से करो ना तो वो वाली फिनिशिंग नहीं आती जितना हम एक अच्छे साफ कपड़े से और ब्रश से साफ करके ना फिर बहुत अच्छे लगती है। तो यहाँ पे अब चढ़ाने हैं मेरे को चावल। तो चावल मैंने भिगो दिए थे, क्योंकि जब तक चावल भीगता नहीं है ना तो तब तक चावल अच्छे तरीके से नहीं बनता।
तो चावल को धो के भिगो लिए हैं और सिर्फ सिंपल से ही बनाने हैं मैंने। बस डेढ़ गिलास मैंने चावल लिए हैं क्योंकि कल एकादशी है और बासी चावल किसी ने खाने नहीं है और देने भी नहीं है किसी को, तो इस वजह से थोड़े से ही राइस बनाए हैं मैंने। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। तो मिलेंगे कल एक और नए व्लॉग के साथ। तो अब मैं यहाँ पे करूँगी अपने इस वाले व्लॉग की एंडिंग। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा बहुत, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स।